हमारी आज की कहानी है मासिक धर्म। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहू, फिर से तेरा महीना आ गया। प्रीति की शादी को 8 महीने होने वाले थे। आजकल माँ जी का ध्यान पूर्णिमा, 30 त्योहारों से हटकर बहू के महीने यानी मासिक धर्म पर अटक जाता। जी माँ जी, वो बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि दोबारा माँ जी की रूखी सी आवाज़ आई। इतनी बार कहा है मुझे मेरे लल्ला का मुँह दिखा दे, पर नहीं, ये तो मेरे मरने के बाद ही चैन की सांस लेगी। प्रीति की आवाज़ अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। मन ही मन वो जोर जोर से चीखना चाहती थी, माँ जी अभी इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, हमने मिलकर ये निर्णय लिया है, या मैं केवल बच्चा पैदा करने के लिए ही लाई गई हूँ, मेरा मेरी आत्मा का कोई मोल नहीं है। अचानक पेड़ से उठती असहनीय पीड़ा के साथ दो आंसू भी उसकी आंखों से ढुलक आए। उसे अपनी माँ की अचानक याद आ गई। मासिक धर्म के दौरान माँ उसका किस तरह ख्याल रखती थी, कभी भी दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो केवल झिड़की और अपमान ही मिलता है। डस्टबिन में दवाओं की रैपर डाल ही रही थी कि माँ की नज़र उस पर पड़ गई। ये क्या बहू, कौन सी दवाई खाती रहती है? कहीं तुम भी सुबोध से छुपकर उसका बच्चा तो नहीं? आगे के शब्द ना माँ ने कहे और ना ही उसमें सुनने की ताकत बची थी, लेकिन नीचे उतरते हुए सुबोध ने ये शब्द सुन लिए। नाराज होते हुए बोला, ये क्या माँ, आप क्यों बिना सिर पैर की बात करती हो? मैं खुद भी अभी किसी और तैयारी में लगा हूँ, पहले सेटल होना चाहता हूँ, उसके बाद सब प्लान करना है। और फिर अभी समय ही कितना हुआ है शादी को, रोज वही रोना धोना लेकर क्यों बैठ जाती हो? सुबोध लगभग गुस्से से चिल्लाया। और रही बात दवाओं की, तो वो ताकत की दवाई है जो डॉक्टर ने प्रीति को दी है खून बढ़ाने के लिए, सुबोध कहता जा रहा था और माँ जी पैर पटकती हुई चली गई। माँ जी अब मेहमानों के सामने भी टोकने से गुरेज नहीं करती। बार बार उसे ध्यान दिलाया जाता कि उसी ने अब तक उनके वारिस से उन्हें महरूम कर रखा है। कमोबेश यही स्थिति अधिकतर घरों में होती है। आखिर महिलाएं क्यों एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझती? लेकिन यही बात अगर बेटी की हो तो मामला उल्टा हो जाता है। खुद के ही बेटे की दुल्हन से इतना परायापन क्यों? क्यों नहीं समझती कि बच्चे पैदा करना उनका व्यक्तिगत निर्णय है? क्यों बहू के चेहरे की खुशी अभिशाप सी लगती है? क्यों नहीं समझ पाती कि वो भी किसी की बेटी हैं जो पूरा जीवन अनजाने लोगों के नाम कर देती हैं और खुद अपना जीवन नहीं जी पाती? सुबोध ने प्रीति को तो अपने रक्षा कवच से बचा लिया, लेकिन पड़ोस की रजनी की स्थिति ऐसी नहीं थी। शादी के कुछ महीनों बाद प्रेगनेंसी होने पर वो खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी, दिन भर घर के कामों में उलझी रहती। ऊपर से सासू माँ नित नए उपदेश देती, यही कि हमारे समय में ना तो कोई अस्पताल जाता था और ना ही कोई काम चोरी करता था। बस इन्हीं बातों से रजनी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन परिवार की ख्वाहिशें तो कभी खत्म होती ही नहीं। नतीजन 5वें माह में उसने अपने बच्चे को खो दिया। इतना होने पर भी परिवार वालों का दिल नहीं पसीजा, उसका ठीकरा भी रजनी के सिर ही फोड़ दिया गया। कहा गया रजनी ही खाने पर ध्यान नहीं देती थी, उसका अपनी जीभ पर संयम नहीं था, जिसके कारण ये सब हुआ। रजनी के पति पूरी मनोस्थिति समझ चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों महिलाएं अपने लिए ही सही निर्णय नहीं ले पाती? बेरंग बेढंगी सी जिंदगी ढोती चली जाती हैं। क्यों खुद से प्यार नहीं करती? घर में जितने भी नुकसान होते हैं वो बहू पर क्यों थोप दिया जाता है? आज के ज़माने में भी, जब हमारा देश इतनी उन्नति कर चुका है, तब भी ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।